मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं माय होम विद किचन। तो आज मैं बना रही हूँ रसगुल्ले जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर मिल्क लिया, इसे हमने सिरका डाल के फाड़ लिया है और एक कपड़े की मदद से छान लिया है। 2 कप शुगर, 2 इलायची, 1 कप बटर, हम पनीर को एक प्लेट में डालेंगे। डाल के हाथों से मैश करेंगे अच्छी तरह। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे वैसे कर सकते हैं। पनीर को हम अच्छी तरह मैश करेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करना है। जितनी देर तक करेंगे उतना पनीर हमारा अच्छा हो जाएगा और एक जान हो जाएगा। अच्छा, दूध हमें हमने फटा हुआ नहीं लेना है कि हमारा दूध ख़राब हो जाता है और हम उसे उसके रसगुल्ले बना रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 लीटर दूध लिएगा, उसे अच्छी तरह पका लेना। जब उसमें उबाला आ जाए तो फिर उसमें सिरका डाल देना 2 टीस्पून। दूध हमारा फट जाएगा, फिर एक कपड़े में छान लेना, मलमल के कपड़े में छान लेना। और फिर उसके बाद किसी भी रस्सी पे, किसी भी स्टैंड पे आप टांग दीजिएगा। जब उसका पानी बिल्कुल निकल जाएगा तो उसे एक बर्तन में डाल देना, एक प्लेट वगैरह में। तो मैंने भी ऐसे ही करा है। थोड़ा सा और करेंगे। फिर से अच्छी तरह मैश करेंगे। फिर से उंगली से मैश करेंगे इसको। ऐसे बॉल बना के रख देंगे। देखिए हमारा पनीर कितना अच्छा बन गया है। अब एक पतीली रखी मीडियम फ्लेम में, इसमें 1 कप पानी डालेंगे। दो कप चीनी डालेंगे। पानी और चीनी को मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम में रखना है। अब इसे ढक देंगे। देखें चीरा हमारा तैयार हो रहा है। चीरे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, नॉर्मली हो। चलिए हमने बॉल तैयार कर लिए हैं। तंग हटाएंगे और ये बॉल्स चीरे में डाल देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आने वाली
मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच चुकी, ये बिल्कुल फ्री है, टैग देंगे, इनको हटाएंगे। ये देखें रसगुल्ले हमारे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। हमें इसे एक बर्तन में निकालेंगे। ये देखें रसगुल्ले हमारे एक तैयार हैं।